द क्लास ऑफ कश्यप संतोष, डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे ग्रामर में, या ग्रामर शुरुआत से हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल ही स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। जैसे कि लॉकडाउन में फिर सेकेंड टाइम लॉकडाउन हो गया और गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि बच्चे घर से ही पढ़ेंगे, तो हम इस पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। आप स्कूल खुलता है, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ऑफलाइन भी क्लास चलेंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चलते रहेंगे। उस ऑनलाइन क्लास के क्रम में हम लोग एक नया क्लास लेकर आए हैं, कुछ लड़के जो गो ऑनलाइन यानी कि लाइव क्लासेस से जुड़े हैं, लेकिन उसी को हम लोग कुछ इसमें अपलोड भी दे देंगे, ताकि जो लड़के जुड़ नहीं पाए ऑनलाइन वो इसका लाभ ले सकेंगे। तो ग्रामर में ग्रामर इम्पॉर्टेंट है। ग्रामर ऐसा है कि इफ़ यू नो ग्रामर वेल यू कैन डू योर कंपोजिशन वेल एंड यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम लाइक दैट इन डूइंग सो। आइदर यू आर एबल टू गिव योर एग्जामिनेशन। तो हम लोग आज बहुत ही शुरुआत से पढ़ेंगे, चूँकि यह बिल्कुल ही निःशुल्क क्लास है, इसमें फ्री क्लास है, इसमें किसी प्रकार का शुल्क या फी की बात नहीं है। यह एक अमेच्योर टीचिंग है, जिसमें किसी प्रकार की ठीक ना। तो आइए देखते हैं, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पर डिस्कशन करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच का मतलब जो हम लोग बोल रहे हैं, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पीच देते हैं तो क्या स्टार्ट निकलता है, वर्ड्स निकलते हैं, कोई भी वर्ड्स। तो यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन पार्ट्स ऑफ वर्ड्स, जो हम लोग चाहे लिखते हैं या पढ़ते हैं या बोलते हैं वही वर्ड्स होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सब आप जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। लेकिन होते क्या है, या विशेष रूप से पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, क्यों है? तो किसी भी वर्ड्स, एक वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं, उसमें कई उसके मीनिंग्स होंगे, अकॉर्डिंग टू यूज होगा ना। अगर इसको यूज हम अलग स्टाइल में करेंगे तो जो एक ही वर्ड को नाउन के रूप में हो सकता है, एक ही वर्ड उसका जो यूज होगा एडजेक्टिव यूज होगा, एक ही वर्ड उसका वर्ब यूज हो सकता है, एक ही वर्ड एडवर्ब की यूज हो सकता है। उसको कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे, और एग्जांपल कैसे क्या है, आइए चलते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप नए हैं और चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम लोग और इसको और बेहतर कर सकें और आपको ये मिल सके। तो आइए बिना देर किए चलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स आर क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर यूज आर अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका मतलब यह है कि किसी भी शब्द के उसके प्रयोग के अनुसार उसके मीनिंग अलग होते हैं, यही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। अगर ये वर्ड लिखा रहेगा प्रजेंट, तो प्रजेंट जो वर्ड है इसके मीनिंग जब हम यूज करेंगे तो इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। ऐसे तो प्रेजेंट मीन्स आपको लग रहा है, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान यानी कि राइट नाउ जो चल रहा है, लेकिन जब इसका यूज होगा तो इसके मीनिंग अलग हो सकते हैं। वही पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम देखेंगे तो उसका मीनिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट का अलग अलग मीनिंग क्या है। तो पहले अगर हम इसका यूज करते हैं, देखिए मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, माई अंकल गेव मी ए प्रेजेंट, प्रेजेंट ऑन माय बर्थडे। तो इसमें जो प्रेजेंट आ गया एक वाक्य के रूप में, एक वर्ड आया है प्रेजेंट, माय अंकल गेव मी ए प्रेजेंट ऑन माय बर्थडे। तो इसमें हम देखेंगे कि यह नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब क्या है, उसको हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे। वी आर डिस्कसिंग प्रेजेंट टेंस
यहाँ भी प्रेजेंट वर्ड आ गया, लेकिन जो मीनिंग इसमें है वो मीनिंग इसमें नहीं है, इसका मीनिंग अलग है। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट कैसे करते हैं। द टीचर प्रेजेंट्स डेमो टू द स्टूडेंट्स। तो यहां पर प्रेजेंट्स, जो टीचर प्रेजेंट कर रहा है तो क्या कर रहा है, यानी कि प्रस्तुत कर रहा है। यहां पर देखिए, माय अंकल गेव मी ए प्रेजेंट ऑन माय बर्थडे, वी आर डिस्कसिंग प्रेजेंट टेंस, द टीचर प्रेजेंट्स डेमो टू द स्टूडेंट्स। तो तीनों प्रेजेंट में मीनिंग क्या है, तो यहां देखते हैं, माय अंकल गेव मी ए प्रेजेंट, तो यहां प्रेजेंट इट मींस नाउन के रूप में यूज हो रहा है, इसको हम नाउन मानेंगे। और वी आर डिस्कसिंग प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस क्या है, यानी कि एडजेक्टिव के रूप में, यानी टेंस के जो क्या करते हैं क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पर इसके ऐड समथिंग कर रहा है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में एडजेक्टिव है। द टीचर प्रेजेंट्स डेमो टू द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेजेंट्स डेमो, यानी कि प्रेजेंट कर रहा है, मैंने दिखा रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, तो यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। तो एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग होते हैं, अलग अलग उसके अकॉर्डिंग टू यूज होता है, और वही पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, अकॉर्डिंग टू यूज इन ए सेंटेंस देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं 8 होते हैं। Already you have studied in various classes, I think, which noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. तो हम ये पहले उदाहरण के रूप में देख लिए कि एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग, अलग अलग यूज जब करेंगे तो मीनिंग अलग हो जाता है। फिर से हम लोग एक बार रिकॉल इसको करते हैं कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इन टू डिफरेंट काइंड्स आर क्लासेस अकॉर्डिंग टू दियर यूज, आर द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर लिखेंगे, फर्स्ट नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाते हैं। नाउन, व्हाट इज नाउन, नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। अगर हम ग्रामर में देखते हैं, ग्रामर में नाउन जो होते हैं नेमिंग वर्ड्स होते हैं। दुनिया में जो भी चीज़ है उसका नाम है, कुछ नाम रख दिया गया है, तो वो नाउन है। प्रोनाउन, द वर्ड्स दे आर फॉर ए नाउन, जो ऐसे वर्ड हैं जो कि वह किसी नाउन के लिए आते हैं वही प्रोनाउन होते हैं। एडजेक्टिव, एंड एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। वर्ब, वर्ब एक्शन वर्ड्स आर वर्ब, जो भी एक्शन वर्ड्स होते हैं वो वर्ब होते हैं। एडवर्ब, एंड एडवर्ब इज ए वर्ड दैट क्वालिफाई वर्ब, एडजेक्टिव एंड another adverb. Preposition, preposition is a word that comes before a noun to show the relation of another noun in a sentence. Conjunction, conjunction are joining words, and interjections, they are the surprising words. तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो parts of speech है वह उसके use के अनुसार एक ही word की meaning अलग यूज के अनुसार हो जाता है, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच स्पेशली हम अगर ग्रामर के भागों की बात करेंगे, इफ़ यू टॉक अबाउट द डिवीजन ऑफ ग्रामर एज ऑर्थोग्राफी, फर्स्ट इज ऑर्थोग्राफी, सेकंड इज एटिमोलॉजी, एंड थर्ड इज सिंटैक्स, एंड देन प्रोसोडी एंड पंक्चुएशन। तो इसमें पांच भाग, जो पांच डिवीजन बनाए गए हैं ग्रामर में, उसमें या सिंटैक्स में हम
इसको डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग डिस्कशन किए हैं तो इसे आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, इसको लिखेंगे अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आता है तो जो इस पर आप हमें बताएंगे कि क्या नहीं समझ में आया, और फिर हम लोग इसको जो है करते रहेंगे। फिर अभी हम देखेंगे अभी कि और कितने वर्ड्स हैं जो आप एक ही वर्ड्स होते हैं लेकिन उसके मीनिंग्स अलग हो जाते हैं जब उसका सेंटेंस में प्रयोग अलग होगा। तो आइए फिर देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि डू नॉट टॉक लाइक दैट, अगर एक वर्ड लाइक अगर आता है तो लाइक मीन्स होता है अकॉर्डिंग टू यूज इन सेंटेंस। अगर कुछ पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइक, तो लाइक मीन्स आप बताएंगे नहीं, आप क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू यूज इन सेंटेंस, मीनिंग में डिफरेंट। हम सेंटेंस में इसको यूज़ कर रहे हैं, देखिए डोंट टॉक लाइक दैट, इस तरह से बात मत करो। तो यहाँ पर लाइक जो यूज हो रहा है यह प्रीपोजिशन के रूप में यहाँ पर यूज हो रहा है, प्रीपोजिशन। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, जो बच्चे हैं वो क्या पसंद करते हैं, स्वीट पसंद करते हैं, तो इसमें वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया गया है, यह वर्ब। तो हम लोग लाइक देख लिए, प्रेजेंट देख लिए, और भी वर्ड देखेंगे। लिटिल एडजेक्टिव नाउन एडवर्ब, देयर इज लिटिल डेंजर इन गोइंग देयर। ए बबुआ शांतनु, लिटिल देयर इज लिटिल डेंजर इन गोइंग देयर। Man wants to build little, but little here below. He eats very little, adverb. There is a little danger in going there. He eats very little. Man wants but little here below. Little here below. यहां पर हम देखते हैं कि little, little means very low. There is a little danger in going there. वहां पर जो है जाने में बहुत ही क्या है, बहुत ही कम खतरे हैं, यानी कि लिटिल मीन्स यहाँ पर बहुत ही, लिटिल से मतलब है यहाँ पर यूज जो हुआ है एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। एंड ही इट्स वेरी लिटिल, यहाँ पर लिटिल इट मीन्स एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, यानी एडवर्ब के रूप में हुआ है, लिटिल मीन बहुत ही थोड़ा। मैन वॉन्ट्स बट लिटिल हियर बिलो, व्यक्ति तो चाहता है लेकिन जो है बहुत ही कम यहाँ पर, जो बहुत ही कम, लिटिल नाउन के रूप में यहाँ पर प्रयोग हुआ है। इट मीन्स हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसे वर्ड्स जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होते हैं और मीनिंग्स क्या होता है, चेंज होता है। तो लिटिल इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच, द नेक्स्ट वर्ड आई हैव चूजन अबाउट। अबाउट हियर टू वर्ड्स
एंड द मीनिंग इज डिफरेंट बिकॉज वर्ड्स आर डिवाइडेड इन टू डिफरेंट काइंड आर क्लासेज अकॉर्डिंग टू द यूज आर द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस. तो इन्जॉय कीजिए पढ़ाई और पढ़ते रहिए. हम एक एक करके पढ़ेंगे और बहुत ही रिलैक्स तरीके से पढ़ेंगे. आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर दिया गया है. दे वॉन्डर्ड अबाउट शिप स्किन्स एंड गोट स्किन्स. तो इसमें क्या है कि यह एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है, एडवर्ब ऑफ प्लेस. यानी कि वो किधर घूमते रहे तो शिप स्किन्स और गोट स्किन्स के तलाश में घूमते रहे. देयर आर समथिंग प्लीजिंग अबाउट हिम. उसके बारे में थोड़ा सा एक प्लीजिंग है, एक सुख करने वाली जो चीज़ है अबाउट हिम. इट मीन्स अबाउट इज यूज हियर एज प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन यहाँ पर जो यूज हुआ है एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है. तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड डिफरेंट इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच द नेक्स्ट वर्ड दिस इज अबव. यह ऐसा वाक्य है, ऐसा वाक्य हम लोग देख रहे हैं जिसमें कि एक ही वर्ड का यूज अलग अलग है लेकिन मीनिंग्स डिफरेंट है. और क्यों ऐसा है? क्योंकि द वर्ड्स दे आर यूज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच. अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ रहे हैं और हम अलग अलग उसका मीनिंग समझ रहे हैं. द हेवेंस आर एवव. जो हेवेंस है एवव है, यानी कि ऊपर है. स्वर कहाँ है? ऊपर है. इट इज सपोज्ड. तो एवव यहाँ पर एडवर्ब है. एडवर्ब 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 के रूप में यहाँ पर यूज हो रहा है. द मोरल लॉ इज अबव द सिविल. यानी कि जो नैतिक नियम है, नैतिक कानून है, वो जो नागरिक कानूनों से ऊपर है. इट मीन्स अबव इज प्रीपोजिशन हियर. यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज हुआ है. इट मीन्स मोरल लॉ इज अबव द सिविल लॉ. यानी कि सिविल लॉ से ऊपर है, यह प्रीपोजिशन के रूप में यूज हो रहा है. जैसे आप जानते हैं प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर ए नाउन टू शो द रिलेशन टू द अनदर नाउन इन ए सेंटेंस. उसी वाक्य में एक नाउन से दूसरे नाउन के रिलेशन को दिखाता है, वो प्रीपोजिशन होता है. मोरल लॉ एक नाउन है और यहाँ पर जो सिविल लॉ है वह एक नाउन है, उसको जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन का यूज किया गया है. वह प्रीपोजिशन है अबव. एनालाइज द अबव सेंटेंस. जो उपरोक्त तो वाक्य है उसको जो है विश्लेषण कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए. तो यहाँ पर जो अबव आया है वह एडजेक्टिव के रूप में हो रहा है. यानी कि कौन सा सेंटेंस? बिलो सेंटेंस की अबव सेंटेंस. यानी कि अबव सेंटेंस अबव इज हियर एडजेक्टिव. एंड इन द नेक्स्ट एग्जांपल वी विल डिस्कस. आवर ब्लेसिंग कम फ्रॉम अबव. यानी कि हमारी जो ब्लेसिंग्स है, हमें जो सौभाग्य मिलता है, जो आशीर्वाद मिलता है, वह कहाँ से आता है? अबव से आता है. यानी कि अबव हियर नाउन के रूप में यूज हुआ है. अबव मीनिंग कोई ऐसी चीज़ है जो कि ऊपर ऊपर मीनिंग नाउन है. तो हम यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स आर क्लासेज अकॉर्डिंग टू दियर यूज आर दी वर्क दे डू इन अ सेंटेंस इज पार्ट्स ऑफ स्पीच. कभी कभी झगड़ा हो जाता है कि इसका ये मीनिंग्स दिया गया, इसका मीनिंग ये होगा, दूसरा कह रहा है कि इसका मीनिंग दूसरा होगा. तब तक जो है कोई एक व्यक्ति कह रहा नहीं, मीनिंग्स तो इसका ये नहीं है. हा? तो वाटर वाटर मीन्स कोई कह रहा है कि जल होता है, वाटर मीन्स कह रहा है कि नहीं, वाटर मीन्स तो जो है जल देना होता है, सिंचाई करना होता है. तो दोनों में जो क्या होता है, कंट्रास्ट होता है एंड दे फाइट फॉर द रियल मीनिंग. तो यहाँ पर उन्हें क्या करना है, ये कहना होगा कि वर्ड्स अकॉर्डिंग टू यूज इन अ सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू यूज इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस मे डिफर. और यहीं पर झगड़ा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है. और हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग अलग शब्दों को अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज करके और अधिक जानकारी लेते रहेंगे. तो जुड़े रहिए और देखते रहिए. यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.